हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेफ जब्बर सिंह नेगी और स्वागत करता हूँ आपके अमृतसर किचन में। चिकन भुना मसाला आप लोग घर पे आसान तरीके से कैसे बनाओगे वो आप लोग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए। तो चिकन भुना मसाला बनाने के लिए हमने लिया है चिकन 500 ग्राम, और चिकन को हम फर्स्ट पहले मैरिनेशन कर लेंगे। उसमें डालेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ में मैं डाल दूँगा इसमें दहेगी मिर्च ताकि इससे एक बहुत बढ़िया कलर आ जाए। और इसको हमने अभी मैरिनेशन कर लेना है। चिकन मैरिनेशन हो चुका है और इसको हमने अभी 30 मिनट के लिए छोड़ देना है चिकन को। और इस पर मैं एक लेमन स्लाइस का यूज कर रहा हूँ ताकि इसका एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा लेमन से। तो उसके लिए मैंने कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, 4-5 मेरे पास सूखी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्च, ग्रीन इलायची, थोड़ा सा लौंग और थोड़ा जीरा और एक स्टार फूल। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 4 टमाटर, और यही मेरे पास प्याज, 2-3-4 हरी मिर्च। तो प्याज को हमने चॉप करना है और टमाटर को हम पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा सूखे मसाले निकालेंगे। 2 चम्मच लिया मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लिया मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर। 2 चम्मच लेंगे हम इसमें दहेगी मिर्च यानी कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी। 1 चम्मच डाल रहा हूँ मैं इसमें बेसन। तो यहाँ पे मैंने ली एक कढ़ाई, आप चाहे किसी भी बर्तन पे बना सकते हो। और जो मैंने स्पाइसेस निकाले थे उसको मैं इसमें थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगा, हल्का सा। इनको हमने यहाँ पे रोस्ट करना है। मसाले अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं अभी इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, क्योंकि इससे सरसों का तेल से बहुत बढ़िया फ्लेवर आए। और तेल को आपने पहले फुल गर्म करना है। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है ताकि जो गर्म इसलिए किया है तेल फुल फ्लेम में मस्टर्ड ऑयल की जो स्मेल होती है वो चले जाए। तो अभी मैं डाल रहा हूँ इसमें 1 चम्मच चॉप गार्लिक। गार्लिक को हमने अच्छी तरीके से थोड़ा ब्राउन होने देना है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ प्याज, जो मैंने प्याज 3 प्याज लिए थे उसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है, और इसको हमने भूनना है ब्राउन होने तक प्याज को। प्याज हमारा अच्छी तरीके से ब्राउन हो रहा है, और इसमें जो झाग आ रहा है, देखो जो सरसों का तेल है उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। और इसमें मैं अभी कर रहा हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड, और इसको भी हम भूनेंगे साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट को। तो प्याज हमारा अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख रहे हो आप कितना अच्छा कलर आया उसका। तो अभी मैं इसमें जो मैंने ड्राई मसाले लिए थे इसको ऐड कर रहा हूँ। तो इसको हम भुनेंगे अभी प्याज के साथ बढ़िया अच्छी तरीके से ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो। तो मसाले हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई, ये टमाटर प्यूरी इसमें ऐड कर दूँगा, और इसको हम अभी पकने देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक ऐड कर रहा हूँ मैं ताकि हमारे टमाटर जल्दी से जल्दी पक जाएंगे। तो ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, देखो आप ड्राई एकदम। तो इस पर अभी मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ, जो चिकन को मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था। तो चिकन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और साथ में हम चिकन को भी भूनेंगे। चिकन को आपने भूनते रहना है बढ़िया तरीके से ताकि चिकन के अंदर जो है बढ़िया मसाला आपका चला जाए। तो यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रहा हूँ जो मैंने मसाले भून के रखे हुए थे, जीरा, इलायची और ये लाल मिर्च, इनको हम यहाँ पे भूनेंगे साथ में ही।
चिकन अच्छी तरीके से भुन चुका है यहाँ पे, और इस पर अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, और थोड़ा मैंने इसमें पानी ऐड किया, और अभी हम इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं 5 या 7 मिनट तक, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। तो चिकन हमारा यहाँ पे अच्छी तरीके से पक चुका है, और इस पर मैं अभी ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली काट के रखी थी ये, और साथ में मेरे पास है कलौंजी यानी ऑनियन सीड, ये डालूँगा, और ये है मेरे पास रोस्टेड की हुई कसूरी मेथी, इसको आपने ऐसे क्रश करके डाल देना है, इससे क्या है बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है हमारे चिकन का। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालना होता है, उसका वो एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है खाने में। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ स्लाइस जिंजर, और साथ में डाल रहा हूँ मैं धनिया, इसको हम थोड़ा अभी मिक्स कर लेंगे। और चिकन भुना मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो भुना चिकन मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और ये होता है जो सेमी ड्राई होता है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक कॉमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।